जी लर्नर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज चिलियन वाला वार फॉट, चिलियन वाला जो वार था कब लड़ा गया था, और इसका करेक्ट आंसर है ए 1865 में। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द बैटल वाज चिलियन वाला फॉट इन 1849 में इसको लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट किंग। इसमें देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें आंसर है राज शर्मा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा कराईकला। कराईकला वाज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट चोला किंग, कराईकला को ग्रेटेस्ट चोला किंग बोला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चित्तौड़गढ़ वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी, चित्तौड़गढ़ जो था कौन से डायनेस्टी का कैपिटल था, और करेक्ट आंसर इसका होगा सिसोदिया डायनेस्टी। करेक्ट क्या होगा, सिसोदिया डायनेस्टी। चित्तौड़गढ़ वाज द कैपिटल ऑफ मेवाड़ सिसोदिया डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स इज लॉन्च्ड बाय, डॉक्ट्रिन ऑफ हड़प नीति जी थी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, उसका करेक्ट जवाब है लॉर्ड डलहौजी। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लॉब्स वाज क्लेवर मूव ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्सपेंड इट्स टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक नीति थी जिसमें भारतीय राज्यों को हड़प लिया जाता था। चलिए इसमें सबसे पहले किसको हड़पा गया था, इसमें सबसे पहले हड़पा गया था आपका सतारा को 1848 में, उसके बाद जातिपुरन संभलपुर 1849, उसके बाद बागहत, छोटा उदयपुर, झांसी, नागपुर। सीक्वेंस याद रखिएगा, एग्जाम में सीक्वेंस पूछता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ऑन, स्वदेशी मूवमेंट को कब डिक्लेयर किया गया था, इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर 7 अगस्त 1905। स्वदेशी मूवमेंट वाज ए मैसिव बॉयकॉट टू ब्रिटिश प्रोडक्ट्स एंड रिवाइवल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। स्वदेशी मूवमेंट क्या था, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करने का एक आंदोलन था। दादा भाई, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय इसके लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के तौर पर किसको हम लोग जानते हैं, इसका करेक्ट जवाब होगा डी नंबर लाला लाजपत राय, नहीं सॉरी इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग फ्रंटियर गांधी कहते हैं। ही बिलोंग टू पश्तून एरिया पाकिस्तान, पाकिस्तान के पश्तून एरिया से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उन्होंने खुदाई खिदमतगार बोल के एक आंदोलन चलाया था 1929 में। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर का सबसे पहला राजा कौन था, और सही आंसर है हरिहर। हरिहर वाज द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर का वो राजा था। ही वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, और इसमें देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है, डी, डी नहीं होगा, हरिहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्लवा किंग यूज टू राइट संस्कृत ड्रामा, कौन से पल्लवा कितने राजा ने संस्कृत में ड्रामा लिखा था, और करेक्ट जवाब है महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या, हु लेड द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का बैटल कब हुआ था आप लोग बताइएगा, प्लासी का बैटल हुआ था 1757 में, किसके बीच में हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल इन 1757। नवाब सिराजुद्दीन वाज फ्रॉम बंगाल साइड एंड रॉबर्ट क्लाइव वाज फ्रॉम ब्रिटिश साइड, एक तरफ से बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला और दूसरे से रॉबर्ट क्लाइव था, इन दोनों के बीच में बैटल हुआ था। तो हु लीड द बैटल ऑफ प्लासी, तो किसने बैटल को लीड किया था, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द आर्किटेक्ट हु हैव डिजाइन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली को किसने
डिज़ाइन किया था? करेक्ट जवाब होगा सर एडविन लिटेंस। सर एडविन लिटेंस ने न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया था। इन रिकॉग्निशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू न्यू दिल्ली इज ऑल्सो नोन एज लिटेंस दिल्ली, लिटेंस दिल्ली भी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी किंगशिप स्टेट्स वेयर इन इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो कितने प्रिंसली स्टेट थे? क्या होगा इसका आंसर? 347 था। उस समय हमारा हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल और कश्मीर हमारे अंदर में नहीं थे। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत और जूनागढ़ प्लेबिसाइट के तहत मीडिया में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द स्टोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज डिस्क्राइब्ड इन मुद्र रक्षा ड्रामा, मुद्र रक्षा ड्रामा में किस स्टोरी को बतलाया गया है? सॉल्यूशन है, मुद्र रक्षा ड्रामा इज ए फेमस संस्कृत प्ले बाय विशाखादत्त। विशाखादत्त ने लिखा है। द ड्रामा गिव्स द डिटेल्स ऑफ मौर्यन किंग चंद्रगुप्त मौर्य। किसके बारे में बताते हैं ये? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन ऑफ अहमद शाह फाउट अगेंस्ट बादशाह अकबर, कौन से क्वीन ने, अहमदनगर के क्वीन ने बादशाह अकबर के अगेंस्ट में लड़ाई की थी। आंसर क्या होगा? चांद बीवी। ठीक है, चांद बीवी वॉज मैरिड टू अली आदिल शाह फर्स्ट ऑफ द बीजापुर सुल्तान, उन्होंने उनसे शादी की थी। किससे? अली आदिल शाह से। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसेंस, आधुनिक युग के पुनर्जागरण के फादर इनको माना जाता है। इनको हम लोग राजा राममोहन रॉय को मानते हैं, आधुनिक युग के मॉडर्न मैन, इंडियन रेनेसेंस, भारतीय पुनर्जागरण के प्रवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एट विच प्लेस मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली, कौन से जगह पर मोहम्मद बिन ने अपने कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट किया था? आंसर क्या होगा? देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंग टू दिल्ली सल्तनत, वो दिल्ली सल्तनत से थे, तुगलक डायनेस्टी के थे। 1325 से लेकर 1351 तक उन्होंने रूल किया था। ही अटेम्प्टेड टू शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, दिल्ली से उन्होंने दौलताबाद की तरफ में अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था। कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद। इब्न बतूता उनके समय में आए थे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज हेटकी डायनेस्टी डेवलप, हेटकी डायनेस्टी और होटकोई डायनेस्टी कौन से जगह में विकसित हुआ था? आंसर होगा अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वाज द रानी लक्ष्मीबाई डाइड ड्यूरिंग फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, कहाँ पर झांसी की रानी मरी थी अंग्रेजों से लड़ते हुए? अच्छा, करेक्ट जवाब क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा सी नंबर। ऑन जून 18th 1858 रानी लक्ष्मीबाई झांसी, वन ऑफ द इंस्पायरिंग फिगर्स ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डाइड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन ग्वालियर में। उनका मणिकर्णा से शादी हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज मॉन्क हैड ट्रैवल्ड टू इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, कौन सा चाइनीज मॉन्क था, साधु था, जो गुप्ता पीरियड के समय में आया था? आंसर क्या होगा? फाइयन विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विद्यापति वॉज द फेमस पोएट एंड ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज, विद्यापति कौन से लैंग्वेज के पोएट थे? वह मैथिली लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश इन May 30, 1826, द डेज ऑफ हिंदी पत्रिका दिवस, वट वॉज इज द नेम ऑफ न्यूज़पेपर? 1826 में सबसे पहले हिंदी न्यूज़पेपर छपा था और इसको हम लोग हिंदी पत्रिकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो न्यूज़पेपर था इसका नाम क्या था? अब करेक्ट जवाब है उदंत मातंड। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। उदंत मातंड वॉज द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश ऑन 13 May 1826 फ्रॉम कलकत्ता। ठीक है, कौन पब्लिश किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हेन वाज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश, कब हुआ था? 1906 में।
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, व्हेन वाज द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। भारत का जो नेशनल सिंबल है वो कब अडॉप्ट किया गया था, वो है 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं, हरप्पन पीपल डिड नॉट वर्शिप। हरप्पन पीपल कौन से गॉड्स को पूजा नहीं करते थे, करेक्ट आंसर क्या होगा। सी द इंडियंस पीपल इंश्योर ड्यूरिंग द ब्रॉन्ज एज इट वॉज स्प्रेड इन लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया पाकिस्तान। पीजियन शिवा स्वस्तिक मदर गॉडेस एंड वेरी पॉपुलर वर्शिप इन इंडस विलेज सिविलाइजेशन वाइल वर्शिप ऑफ विष्णु गॉड पॉपुलर इन वैदिक कल्चर टाइम। क्या आंसर हो जाएगा, पिजन हो जाएगा। क्या द इंडियन नेशनल आर्मी रिक्लेम्ड द अंडमान निकोबार आइलैंड फ्रॉम ब्रिटिश। इंडियन नेशनल आर्मी ने अंडमान निकोबार को फिर से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या नाम रखा उनका, इंडियन आर्मी क्या नाम रखते हैं उन लोगों ने, शहीद आइलैंड एंड स्वराज आइलैंड। क्या नाम रखते हैं, शहीद आइलैंड एंड स्वराज आइलैंड। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। व्हाट डिड टाइटल डिड द ब्रिटिश कन्फर्म गांधी विथ विच वॉज रिलिंक्विश्ड बाय हिम। अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सा टाइटल दिया था, कल जवाब क्या होगा, कैसरी हिंद। कैसरी हिंद कब दिया गया था, 1876 में बाय जी डब्ल्यू लिटनर, लिटनर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी वॉज अवार्डेड द कैसरी हिंद 1915 में दिया गया था बाय द लॉर्ड हार्डिंग ऑफ द पेनक्रास फॉर कंट्रीब्यूशन टू एम्बुलेंस सर्विस इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने सर्विस दिया था उसका इंस्ट्रूमेंट उनकी सरकार ने उनको ये दिया था। आज के लिए तय रखिए।